सोकन को कैसे बर्दाश्त करूं मेरे शोहर ने दूसरा निकाह किया है तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं क्या करूं सोकन को कैसे बर्दाश्त करूं बिनते अब्दुल्ल ये देखें अल्लाह ताला ने ये दुनिया को आजमाइशों का घर बनाया यहाँ हमारी सब ख्वाहिशात पूरी नहीं होती ना मर्दों की सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं ना औरतों की मर्दों पे भी आजमाइशें आती हैं औरतों पे भी आजमाइशें आती हैं तो जन जो उन आजमाइशों में सब्र करता है अल्लाह पे अतमाद और तवकुल करता है तो अल्लाह उसे दुनिया में भी उसका अजर अता फरमाते हैं और आख़िरत में भी और जो उन आजमायशों में सबर नहीं करता शोर में चाहता है वावेला करता है हाय हुए करता है तो दुनिया में भी टेंशन और अजर भी ज़ाया हुआ आखिरत में भी टेंशन तो अल्मा ने ये बात लिखी है कि मर्दों के लिए अल्लाह के हकाम अलग इस तरह के हैं औरत के लिए अलग तरह के हकाम हैं बहुत सी आजमाइशें मर्दों पर आती हैं तो जैसे उसमें हुक्म यह है मर्द को कि वह सबर करे तो इसी तरह बहुत सी आजमाइशें दुनिया में औरतों पे आती हैं नेक औरतों पे भी आ सकती हैं तो उसमें भी औरत के पास सबर का सब्र करना है उसने सब्र करना कैसे वो मैं बताता हूँ तो औरत पर शोकन आ जाना ये दुनिया में औरत के लिए बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों में से एक आजमाइश है तो इसमें मुसलमान औरत क्या करती है वो सब्र करती है वो कहती है भाई मेरा शोहर मर भी सकता था मैं अक्सर बयानात में एक वाक़ा सुनाता हूँ अपने पुराने दोस्त का बड़े मालदार थे बड़े अट्रैक्टिव थे बड़े खूबसूरत थे मैंने उनसे कहा कि आप दूसरी शादी करें आपको अल्लाह ने पैसा भी दिया है कितनी तलाक़ याफ़्ता बेवा कंवारी लड़कियाँ घरों में बैठी हुई हैं आप एक अलग घर लेके उसको भी उसकी उससे भी शादी करें आप कितनी औरतों को थ, आप तो चार औरतों को ठिकाना दे सकते हो आराम से लेकिन वो कहते थे यार मुझे अपनी पहली बीवी पे तरस आता है वो क्या उस पर उसके तो दिल पे आरे चलेंगे वो तो बहुत गम से मर जाएगी वो मैं उनको बहुत समझाता था ये देखें वो ठीक है वो भी एक गम है मैं मानता हूँ औरत पे शोकन आती है गम होता ही गम होता है औरत को लेकिन उन औरतों का क्या होगा जिनको शोहर ही नहीं मिल रहा तो एक छोटा नुकसान हो रहा है एक औरत का कि उसका शोहर डिवाइड हो रहा है और एक औरत को सिरे से शोहर ही नहीं मिल रहा तो यानी एक को एक निवाला भी रोटी खाने के लिए नहीं है वो भूख से मर जाए और दूसरे को दो या तीन तीन पराठे खिला रहे हैं आप तो डिवाइड कर दें तो अच्छा नहीं है क्या दोनों को एक लाइफ मिल जाए और दूसरा मैंने कहा कि आपकी जो फर्स्ट वाइफ है उस पर जब शोकन आएगी थोड़े दिनों में बड़े से बड़ा गम इंसान भूल जाता है तो थोड़े दिनों में यूज़ टू हो जाता है इंसान वो गम वक्ती है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म भर जाते हैं चौदह सौ साल हो गए मुसलमान हमेशा से दो दो तीन तीन शादियां करते आ रहे हैं ना तो क्या सारी दुनिया की औरतें डिप्रेशन से मर गई हैं क्या जाहिर आदि हो जाती हैं कुछ दिनों में सऊदी अरब में लोगों का मामूल है सोमालिया में तो दूसरी शादी ना करो तो औरतें मायूब समझती हैं कि मेरा मियाँ दूसरी क्यों नहीं कर रहा ऐसा रिवाज है सारी दुनिया में तो सिर्फ बर सगीर इंडिया पाकिस्तान में ये हिसाब किताब है कि एक ही बीवी तो अगर ये ऐसा ऐसा गम औरत के लिए होता जिसको बर्दाश्त करना औरत के लिए मुमकिन ही ना होता तो फिर अल्लाह ये कानून ना बनाते मर्द को इजाजत ही ना देते क्योंकि अल्लाह ताला तो सबसे ज़्यादा अपनी मखलूक का ख्याल करने वाले हैं तो मैंने उनको बहुत समझाया वो नहीं माने उन्होंने कहा नहीं भाई बहुत मुश्किल है फिर उन्होंने अदल नहीं हो सकता मैंने कहा आप आलिम हो मुफ्ती हो आपके पास पैसा भी है आप अगर अदल नहीं कर सकते तो फिर कौन अदल कौन है जो अदल करेगा खैर मेरी उनसे रात बड़ी बहस हुई तो सुबह पता चला जी उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो उनकी अहलिया का हमारे घर में फ़ोन आया कि भाई मेरे मियाँ तो रात दूसरी शादी की बात कर रहे थे और मैंने रोना धोना किया तो वो मुझे तसली देकर गए कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा और दोपहर उनका उनकी मैयत आई है घर में एक्सीडेंट हो गया उनका तो कहा कि मैंने तो अपने शोहर को दूसरी शादी से मना किया लेकिन जिन औरतों के मियाँ दूसरी शादी कर लेते हैं अल्लाह की कसम उनका ग़म मेरे गम, गम से बहुत कम है क्योंकि मैं तो अपने बच्चों के बाप से ही महरूम हो गई तो अब जिंदगी भर के लिए ना वो ज़ाहिर बेवा औरत को फिर दोबारा निका बड़ा मुश्किल होता है फिर उसको उस स्टेटस का उस स्टैंडर्ड का शोहर मिलना बड़ा मुश्किल होता है तो मुझे नहीं पता अब उनकी अब दोबारा शादी हुई नहीं हुई इस वाक़े को भी खाल तकरीबन चौदह पंद्रह साल तो हो गए हैं इस वाक़े को भी तो लेकिन मसला यही है कि अब भी तो उनको सबर आ गया ना उनकी वाइफ को तो औरत को ये सोचना चाहिए मैं नहीं कह रहा औरत को कि अपने मियाँ को दूसरी शादी की तरकीब दें या कोई गम का इजहार ही ना करें प्लेट में रखें तो मियाँ को दूसरी शादी ना करने दें जो तकलीफ़ें उठा के दूसरी करेगा ना तो वही दो को मैनेज भी करेगा जो बीवियाँ ख़ुद से जाके मियाओं को कह रही होती हैं आप दूसरी कर लें मुझे तो वो एक किस्म की बेवकूफ़ी लगती है ये तो वो ना करें उनका उनका ये काम नहीं है अपने ऊपर ख़ुद से आजमाइश लाना ये ये कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है तो शोहर अगर कर ले तो फिर रिएक्शन इतना ज़्यादा ना करें कि वो ज़िंदगी उसके लिए अजाब बन जाए या वो तलाक़ों का सोचना शुरू कर दे खुद सब्र करें और सब्र कैसे करना है आपने एक बात तो ये कुछ तो अपने हकूक़ हैं वो तो हर सूरत में लेने हैं शोहर को ये कहना है कि किसी कीमत पे भी सोकन इस घर में नहीं रहेगी आपने दूसरे घर का इंतज़ाम करना है और मेरी बारियाँ मुझे लाजमी चाहिए मेरे हकूक़ मुझे लाजमी चाहिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और उस दूसरी की बातें मेरे सामने बैठ के नहीं करनी है आपने तो ये मियाँ लोग इस तरह की गलतियाँ उसके बच्चे मैं नहीं पालूंगी नहीं आप मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है वो आप फिर शौक़ से पाल लें या घर में आने दें वो आपकी हेड हैड़, आपका हैडिक है लेकिन आपने इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं बनना है तो अपने हकूक़ में आप मज़बूती दिखाएँ लेकिन और शोहर को भी चाहिए कि भाई दूसरी की है तो इसको जो ज़ख्म पहुंचाए गम पहुंचाए उसकी तलाफ़ी का भी इंतजाम करे ये ताने ना दिया करे तुम्हारे अंदर ये ख़राबी थी इसलिए मैंने दूसरी की है या दूसरी की खूबियां बयान करना शुरू कर दे इसके सामने ये बड़ी बेगैरती की बात है तो बिल्कुल एक सेपरेट अलग अलग रखें फिर ये दोनों आपस में मिलना चाहें मोहब्बत से रहना चाहें इनकी मर्जी है मियाँ मजबूर नहीं कर सकता तो बाकी औरत को जो गम पहुँचाए तो वो हदीस में इसका इलाज है कि अपने से ज़्यादा गमज़दा लोगों को सोचा करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में हमेशा अपने से कमतर लोगों को देखो और दीन में हमेशा अपने से ऊपर लोगों को देखो वो आपके शोहर ने अगर दूसरी शादी की है आप देखें ऐसी औरतें भी हैं जिनके शोहर मर गए बच्चे बाप से महरूम हो गए वो बेचारी रोडों पे भीख मांगती फिर रही हैं या दफ्तरों में जॉब कर रही हैं और लोग उनकी इज़्ज़तों से खेल रहे हैं कोई प्रॉपर साया ही नहीं है इस शोहर का तो आप ये सोचा करें अल्लाह ने मुझे उनसे फिर भी अच्छा रखा हुआ है और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि अगर औरत इस ग़म को बर्दाश्त कर ले और शौहर भी अच्छा हो यह भी ज़रूरी है शोहर अगर दो नंबर है वो तो फिर मामला ख़राब होता है शोहर भी नेक हो समझदार हो और वो मैनेज करे तो दूसरी शादी करने के बाद पहली बीवी ज़्यादा खुश रहती है बन उस औरत के जो अपने शोहर की इकलौती बीवी हो ये मुशाहदे पर मबनी एक हकीकत बयान कर रहा हूँ वजह उसकी है कि जब मर्द दो शादियाँ कर लेता है देखें जोश तो मर्द का ना जो नई दुल्हन आती है वो पंद्रह बीस दिन में ख़त्म हो जाता है कहते हैं ना कि औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव उसी वक्त तक लगती है जब तक उससे शादी नहीं होती तभी मर्दों की एक फ़ितरत मशहूर है कि मर्द को बच्चे हमेशा अपने अच्छे लगते हैं चाहे वो कितने आड़े तिरछे हों और दूसरे का बच्चा कितना ही खूबसूरत नहीं अच्छा लगता लेकिन बीवी हमेशा दूसरे की अच्छी लग रही होती है आदमी को तो ये मर्दों की नेचर होती है आ औरत ये समझ रही है कि मेरे मियाँ ने दूसरी बीवी की है पता नहीं कितना माइल होगा उसकी तरफ कितना उसके जना वो तो क्या उसकी ज़िंदगी गुजर रही होगी और क्या उनकी दरम्यान मोहब्बतें होंगी वो भाई थोड़े दिन में पुरानी हो जाएगी वो तो जितनी आपसे उससे ज़्यादा उससे नहीं हो सकती बल्कि पहली वाली से थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है आमतौर पर क्योंकि उसके साथ टाइम ज़्यादा गुजारा होता है तो उसको छोड़ना मुश्किल होता है मर्द के लिए तो इसलिए औरत जो ये समझती है कि मुझ पर शोकन आ गई तो पतनी क्यामत हो गई है कुछ भी नहीं हुआ मर्द थोड़े दिनों में उसके जज्बात ठंडे हो जाते हैं दस पंद्रह दिन में उसको वो नई वाली भी पुरानी लगने लगती है तो उतनी ही मोहब्बत होगी जज्बात होंगे जितने आपसे हैं बल्कि हो सकता है उससे कम ही हो तो इसलिए औरत को ये चीज़ सोचनी चाहिए तो अतदाल से रहे वो थोड़े दिनों में हिसाब बराबर हो जाएगा फिर मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत से ऐसे घराने हमने देखे हैं अब तो क्योंकि बहुत लोग अलमदिल्ला कर रहे हैं चार चार तीन तीन दो दो शादियाँ मुझसे तो अभी डिफेंस में मैं एक मजलिस में बैठा हुआ था तो लोगों ने बताया कि इसने तीन की हैं आपका बयान सुन के उसने चार की हैं उसने दो की हैं तो मैंने सबको बुला लिया मैंने कहा चार चार वाले दायबाएँ हो जाए तीन तीन वाले थोड़ा सा पीछे दो दो वाले पीछे और एक एक वाले पीछे और कमारे दफ़ा हो जाएँ यहाँ से तो, तो लोग करना शुरू कर दिया लोगों ने तो मैं ऐसे जानता हूँ घरों को जिनकी दो बीवियाँ तीन बीवियाँ वो ज़्यादा खुश हैं वो तीन औरतें या दो बीवियाँ और जो मर्द की इकलौती बीवी है वो ज़्यादा खुश नहीं है वजह उसकी ये है कि जब मर्द दो तीन शादियां करता है ना अगर इंसान का बच्चा है वो तो उसका जर्फ भी बढ़ता है फिर उसके लिए बीवी की खामियां बर्दाश्त करना भी आसान होता है फिर उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है यार दोनों बस लड़ो नहीं मुझसे ना लड़ो आपस में यानी मुझसे ना लड़ो बस फिर अगर कोई खिदमत करती है तो भी ठीक है नहीं करती कहता है तो भी ठीक है बस फिर वो मर्द जो है ना दोनों को खुश करने में लगा रहता है कि यार ये सुकून से रहे एक होती है तो उस पर सारा बोझ उस अकेली पे लाके डालता है वो फिर भी खुश नहीं होता फिर मर्द की ख्वाहिश होती है ये मेरे मेहमानों को भी पूछे ये मेरी माँ की भी खिदमत करे मेरे बाप की भी खिदमत करे और जो है वो जब मैं सुबह दफ्तर में जाया करूँ तो गेट पे छोड़ने के लिए आया करे शाम को आऊँ तो मुझे रिसीव करे मेरे कपड़े भी इस तरी करे मेरी पैंट भी धोए मेरी पैंट भी इस्तेरी करे और मुझसे मुस्कुरा के बात भी करे और ये चाय क्यों नहीं बनाई ये खाना क्यों नहीं बनाया और ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया और पैसे मांगती है तो मर्द की खोपड़ी घूमना शुरू हो जाती है लेकिन जब दो होती हैं तो मर्द भी कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता इख्तियार करे वो कहता है भाई और मोहब्बत भी फिर बढ़ती है मोहब्बत भी बढ़ जाती है मर्द वो क्यों बढ़ती है इसकी एक नफसियात है यानी जिस आदमी की दो बीवियाँ होंगी ना उसको दोनों से जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी इकलौती बीवी वाले को अपनी बीवी से उतनी मोहब्बत नहीं होती इसकी एक नफसियात है वो नफसयात क्या है वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हो सकता है इसको लोग कोई गलत उसमें लेके जाएं लेकिन बहरहाल ये, ये मर्द की एक नफ्स्यात है कि अगर उसकी ज़्यादा बीवी होंगी ना तो उसको तीनों से दोनों से ज़्यादा मोहब्बत होगी बनस्बत उस शख्स के जिसको अपनी इकलौती बीवी से जितनी मोहब्बत है तो मर्द को अपनी दो या तीन बीवियों से उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है लेकिन मैं बात मर्दों की कर रहा हूँ मखंडचुओं की नहीं कर रहा जो गैरत लेस लोग होते हैं उनकी तो उनको तो दो करनी भी नहीं चाहिए मैं तो आप लोगों से खिताब कर रहा हूँ जो माशा गैरत वाले लोग हैं जो मेरा चैनल देख रहे हैं सुन रहे हैं बात कर यानी जो मसाइल का सेशन सुन रहे हैं तो इसलिए औरत को चाहिए कि वो ये बात सोचा करे अपने से बड़ा गम देखें कि मियाँ लैस औरतें भी हैं और ऐसी औरतें भी हैं जिनके मियाँ चर्स पी रहे हैं हीरोइन पी रहे हैं बेतहाशा बीवियों को मार रहे हैं और बड़े बड़े मसाइल हैं औरतों के साथ तो आपका मियाँ अच्छा ऐसे भी और मियाँ हैं जो रोज़ाना लड़कियाँ बदल बदल के उनसे ज़िना कर रहे हैं तो आपका मियाँ कम अज़ कम एक औरत उसकी ज़िंदगी में आ गई आपको पता तो है ना कि ये है और कोई नहीं है तो ये जब पॉजिटिव वे में आप सोचेंगी तो इन शाला आपको फ़ायदा होगा आपको सुकून मिलेगा और आप इसकी बरकतें अपनी आँखों से देखेंगी फ्यूचर में कि आपको नुकसान नहीं हुआ बल्कि आपको आपके मियाँ की दूसरी शादी से फायदा हुआ है मियाँ के माल में भी अल्लाह बरकत दे देता है शादी के बाद अक्सर देखा गया ये तो उस पैसा भी आपके घर में अल्लाह ने चाहा तो इनशाला आएगा और आपका मियाँ अखलाकी बुराइयों से बचेगा बहुत सारे फायदे हैं तो ये सोचेंगी तो फायदा होगा और अगर महले पड़ोसियों की बातों में आ गई रिश्तेदारों की बात में कि हाय हाय तुम्हारे मियाँ ने दूसरी कर ली तुम में कोई खराबी थी क्या अपने मियाँ को तुमने कंट्रोल नहीं किया और औरतें तर्स खा खा के और रुलाएं आपको हाय बेचारी पर सोकन आ गई हाय तो ये औरतें आपका बेड़ा गर्क कर रही हैं तो अपने आप को देखें अपने मियाँ को देखें अपने बच्चों को देखें तो अगर वो कर रहा है तो अगर वो बराबरी कर रहा है तो बड़ा गम सोचें ये गम आपके लिए बर्दाश्त करना इंसान इंशाल्लाह आसान होगा और इस गम में जो अल्लाह ने खैरें रखी हुई हैं उन खैरों के बारे में औरत को सोचना चाहिए तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देखोगी चेहरे के बगैर